नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि पथ टुडे। इस वक्त मैं हिसार में हूं और आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से 26 जनवरी 2021 जैसा दृश्य यहां पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2021 को किसानों ने एक ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी लाल किले पर झंडा फहराने के लिए। ठीक आज 26 जनवरी 2024 को हिसार में यहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों ने हजारों ट्रैक्टरों के साथ परेड निकाली है। और ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के सामने का है, जहां पर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहां पर पहुंच चुके हैं। किसान आज 26 जनवरी 2024 को परेड निकालते हुए यहां पर पहुंच चुके हैं। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति द्वारा ये यहाँ पर परेड निकाली गई है और आज से पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। ये आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से 26 जनवरी पर यहाँ पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी की वेशभूषा में यहाँ पर आपको ये क्रांतिकारी नज़र आ रहे होंगे। किस प्रकार से ये झांकी निकाली गई है किसानों द्वारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी के रूप में आज यहाँ पर ये झांकी निकाली जा रही है। ये तमाम वो किसान हैं जो यहाँ पर 26 जनवरी को परेड में शामिल हो रहे हैं। आज से यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। 72 गाँव के मुआवजे की मांग को लेकर के आज 26 जनवरी को हिसार में आप देख सकते हैं कितना बड़ा मोर्चा यहां पर लगा दिया गया है। अब हम आपको धरने की तस्वीरें दिखा देते हैं यहां से कि किस प्रकार से पगड़ी संभाल जट्टा द्वारा यहां पर धरना शुरू कर दिया गया है और लगातार यहां पर जो किसान नेता है वो यहां पर संबोधन अपना कर रहे हैं। क्या रणनीति किसानों की रहने वाली है वो यहाँ पर आपको किसानों की जुबानी सुनाएंगे। एक बार फिर से किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर किसान अपना भाषण शुरू कर रहे हैं। और आइए आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। दूसरा एक जितने भी भाई मेरे खड़े हैं, एक मेरी सारों से रिक्वेस्ट है, ये मीडिया आ रहे हैं, फोटो फाटो खींचेंगे, फोटो छोटा होगा, थोड़ा बैठ जाएंगे तो सुथरा फोटो आओगा, अखबार में बढ़िया लगेगा। एक दूसरी बात, एक अभी भाई मिला था, बोला ये किसान जावेंगे किस टाइम से, मन्ने का भाई ये जान खातर आए कौन रे, क्या जान खातर आ रहे हो, पूरे रुकन खातर आ रहे हैं, तो इसलिए खड़े खड़े बात बने को नहीं, बैठना भी पड़ेगा, इसलिए सारों से रिक्वेस्ट है प्लीज बैठ जाओ। देखो आप तो खेत की डोड़ पे बैठनी है आदमी है, रोड तो फिर भी सुथरा है, इसलिए बैठ जाओ, सारों से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, इस देश का जब संविधान लिखा गया था उस समय 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब फाइनल हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि आज जो हमारा संविधान जो हम बना रहे हैं वो ऐसा संविधान है जिसमें बहुत विरोधाभासी हैं, उस विरोधाभास में है कि हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई कि एक आदमी का एक वोट और हर एक वोट की बराबर कीमत, परंतु सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे अगर समानता नहीं होगी तो यार राजनीतिक आजादी बचेगी नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और जो आर्थिक समानता की जहां तक बात है, आर्थिक समानता जो है वो हालात ये देश की, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर इस देश के जो 50% लोग जो नीचे के तबका है जिसमें किसान है मजदूर है, उसका देश की कुल संपत्ति में 12.93% का हिस्सा था।
यानी कि 13% के लगभग हिस्सा था, परंतु आज वो हिस्सा घटके 6% पे आ गया है। निचली 50% आबादी का 6% के आसपास आ गया, और ऊपर के जो लोग थे, जो ऊपर के 1% लोग थे, उनकी जो संपत्ति थी 5 गुना बढ़ गई। देश की संपत्ति में उनका हिस्सा 5 गुना बढ़ गया। ऊपर के 5% लोगों के पास आज देश की 60% जो संपत्ति है उसका कब्जा उनके पास है। तो इसलिए इस देश में बड़ी आर्थिक असमानता है। और अभी आप जब जाओगे डीसी साहब के पास, डीसी साहब न्यू कहेंगे, मैं बात करूंगा, डीसी साहब हमने न्यू सुनी थी कि जिले का मालिक डीसी हो है, यह सुनी थी ना, परंतु ये किसान एक साल तक फालतू के गोटे रगड़ देना हो गए। एक मांग है छोटी सी कि एक बीमा कर रखे है, कंपनी ने बीमा कर रखे है, और नियम कायदे कानून के तहत कि 45 दिन में अगर बीमा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ तो सबको बीमा मिलेगा, इसलिए वो बीमे का हक लेने आ रहे हैं। और जिले का सबसे बड़ा मालिक, उसने 20 बार ये कह दिया इतनी तारीख तक जाएंगे, इतनी तारीख तक जाएंगे। भाई जुबान का धन होया करे। और इस तरीके से जो डीसी साहब मुकर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक तारीख बता दो, उसे तारीख पे लेने आ रहे हैं। अरिमकड़ जड़त मेरी आप लोगों के किसान मोर्चा के लोगों से बात हुई है, मेरे ख्याल में ले बिना आप जानते बनी यह है ना। और जहां तक पैसे की बात है, एक बात और बताना चाहता हूँ, इस केंद्र की सरकार ने पिछले 9 साल के अंदर 14,56,226 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ कर दिए। परंतु दुर्भाग्य इस देश का कि इस देश को जिसने बनाया किसान ने, मजदूर ने, उसका 1 रुपया भी पिछले 10 साल में माफ नहीं किया। भाई देखो ये जो जोश है ये अपन बनाए रखना है। तो मैं कह रहा हूं इतना कर्जा माफ कर दिया और किसान मजदूर का 1 रुपया भी माफ नहीं कराया, और हमारे को फिर अलग अलग तरीके से कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई गोत के नाम पे लड़वाने का काम करते हैं। तो मेरा एक ये कहना है कि आज देश में ना केवल हमारी मुआवजे की लड़ाई है, हम देश में आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देश में ये देश, मैं हिंदू हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुओं का ठेकेदार कोई और नहीं बनने देना चाहते, हम सारे हिंदू हैं। ये न्यू कह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, न्यू बताओ भाई देखो 40 साल से ज्यादा की उम्र मेरी होगी, जिस दिन सोधी संभाली उस दिन से राम राम कह दिया है कि नहीं आए। सारे बुजुर्ग, सारे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सारे राम राम करते आए हैं। तो इसलिए राम का कोई ठेकेदार है तो किसान और मजदूर है, कोई और नहीं हो सकता। इसलिए राम हमारे दिल के अंदर है, राम हमारे कण कण में है, अंग अंग में विद्यमान है, और इसलिए राम के नाम पे इस देश के किसान मजदूर ने कभी राजनीति नहीं की। और हम आज भी कहना चाहते हैं राम के नाम पे या किसी और नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए आज आप लोगों की जो लड़ाई है ये सिर्फ बीमे की और मुआवजे की नहीं है। इस देश में अगर सरकार के खिलाफ कोई तबका खड़ा है तो किसान खड़े हैं। और मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा, प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, ये किसान बड़े शांति प्रिय आदमी है, ये किसान बैरिकेड लगा दिए, चार आपने चार पुलिस वाले खड़े हैं, उन पुलिस वाले तो डरते कौन बैठे हुए। ये किसान शांति में विश्वास करते हैं, अनुशासन में विश्वास करते हैं, और फिर भी जो कोई प्रशासन का कोई भी व्यक्ति अगर जो न्यू कहना चाहे कि भाई देखो इन पर कोई मुकदमा दर्ज करेंगे, हम ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। और मुकदमों से किसान डरता भी नहीं है। और एक आश्वासन मैं फिर भी देना चाहता हूँ, फिर भी कोई अगर प्रशासन गलती करेगा, कोई मुकदमा दर्ज करेगा, तो भाई हम वकील होने के नाते आपका मुकदमा फरी लड़ा गया, गारंटी है।
या हमारी पहले भी हमने लड़े हैं और आगे भी किसान आंदोलन का कोई भी मुकदमा होगा फरी लड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को हम बचाएंगे, इसी विश्वास के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अपनी बात रख रहे थे और किसानों को संबोधित कर रहे थे। लगातार आप देख सकते हैं कि पगड़ी संभाल जनता के हजारों किसान आज लघु सचिवालय हिसार में पहुंच चुके हैं, हजारों ट्रैक्टरों के साथ आज यहाँ पर मुकदमा उठाने की जरूरत को नहीं। पगड़ी संभाल जनता द्वारा पक्का मोर्चा लगा दिया गया है और ये मोर्चा तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाती। तो हमारे एक साथी नाम को नहीं आया, सारा जगह लुदा साड़ा का रूस गया, न्यू बोलिया मेरा नाम को नहीं आया। ये मुकदमा उठाने की बात करें भाई, कहना है मुकदमा, इन मुकदमों पाछे को नहीं अटक कदे सरकार न्यू सोचती हो मुकदमा उठ देंगे ना, इनकी जेड़ा उठ रहा ना, मुकदमा उठ रहा ना, लाठिया उठ रहा ना, गोली उठ रहा। इस सड़क पर आगे तो पक्के तौर पर जीत के जावांगे। आपके ये हौसले बताने लग रहे, आपकी ताकत यह बताने लग रही है। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुरेश खोत, अपने विचार रखे, जोरदार तालियों से स्वागत भाई। बहुत ही आदरणीय हमारे पगड़ी संभाल जत्ता संघर्ष समिति के अध्यक्ष भाई मनदीप नथवान जी, मेरा छोटा भाई स्टेज चला रहा जिला का अध्यक्ष है, वैसे बैनीवाल साहब, बडाला साहब और बहुत से साथियों का सबका नाम लूंगा मैं, पहला ही बीमार चल रहा हूं, फिर कहने वाली बात रह जाएगी। सारे भाइयों ने मेरी राम राम। भाई सीआईडी सिक्योरिटी के साथी या सरकार का कोई तंत्र सुनता हो तो दो एक बात हमें आपसे कह रहे हैं, सुन लो ध्यान पे। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है। जहां पूरे भारतवर्ष के अंदर ट्रैक्टरों का प्रदर्शन है वो एक अलग मैसेज है, और आज हिसार में जो हम कर रहे हैं हमारे स्थानीय मुद्दे भी, इसलिए मैं दोनों बातों में बात करूंगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता दिवस आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस का मतलब होता है हम अपने देश के लिए किस तरह के कानून बनाएंगे, किस तरह हमारा देश चलेगा। जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था उस दिन का नाम रखा गया था गणतंत्र दिवस, मगर 22 जनवरी के दिन आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर गणतंत्र की बजाय प्रजातंत्र की बजाय एक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। हमारे संविधान के अंदर पहला अक्षर आता है जिसकी शुरुआत होती है भारत के लोग, उसकी धज्जियां उड़ा करके हमारे को आम प्रजा बना दिया गया। हम भारत के लोग का मतलब है कि हम इस देश के नागरिक है, हमें अपने चुने अनुमान जो के द्वारा कानून बनाने का अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। मगर नहीं, इस तरह का व्यवहार किया गया जिस तरह इस देश के अंदर सबसे पहले तो नई जो संसद भवन बनी उसके अंदर जिस दिन सिंगोल रखा गया था उसी तरह राजतंत्र लागू हो गया। हमारे संविधान के अंदर एक बात अंकित की गई है कि यह देश धर्म निरपेक्ष रहेगा, सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। यह धर्म निरपेक्ष होते हुए अपने कानूनों के तहत आगे चलेगा। इस देश के अंदर कानून का राज होगा, इस देश के अंदर संविधान के तहत कानून बनाए जाएंगे, मगर सारी चीजें ताक के पे रख दी गई। देश की सरकार एक धर्म को प्रमोट करने के लिए लगी। हम भी हिंदू हैं मगर हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं।
हम धर्म निरपेक्षता में क्यों विश्वास रखते हैं साथियों, मैं कल यह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस देश के लिए हमने हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने जीत भगत सिंह जैसे शहीदों ने कुर्बानियां दी, उनका एक सपना था ये हमारा देश धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ेगा। यहां फांसीवाद लागू नहीं होगा, यहां सभी धर्मों का आदर किया जाएगा, सभी जातियां सम्मान रहेंगी, मगर आज वो मूल्य नहीं रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं सीआईडी के तंत्र के माध्यम से, बहुत से मीडिया के साथियों के माध्यम से, 40 करोड़ जनता मेरे देश की वो है जो अपना आपको हिंदू नहीं मानती, बताइए उनको कहां छोड़ के आएंगे आप? उनको गोलियां मारेंगे या उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएंगे या इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं आप? हमारे देश के अंदर बड़े बड़े विचार दिए गए, एक विचार भगत सिंह जी ने दिया पूरी दुनिया के अंदर जाना चाहता है, एक विचार गांधी जी ने दिया जिसको अपना करके अमेरिका के अंदर गोरे और कोड़ा कारों का किंग लूथर ने आंदोलन जीता, वो विचार गांधी का विचार लेकर के दक्षिण अफ्रीका के अंदर नेल्सन मंडेला काले कोरे का भेद मिटाने के लिए जीता। इतने बड़े बड़े विचार देने वाले देश के अंदर क्या आज गोड़े का गोड़से का सिद्धांत लागू होगा? क्या आज हमारा सारा देश सावरकर को मानने वाला हो गया? क्या आज इस देश के अंदर मनुस्मृति का शासन होगा संविधान की बजाय, जो कहती है ढोल पशु सूत्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, हम मनुस्मृति इस देश में लागू नहीं होने देंगे। हम इस देश के अंदर कानून का राज चाहते हैं, हम इस देश के अंदर संविधान का राज चाहते हैं। किसान मजदूर एकता, हमारे सवाल है सरकार से, और मेरी एक प्रार्थना आपको भी है साथियों, जहां बेहतर कामों का मुआवजे की बीमे की बात कर रहे हैं वो तो लेके ही जाएंगे, खेड़ी तहसील का हमारा स्पेशल सहायता जो राशि रुकी हुई है वो भी डलवा के जाएंगे वहीं पर। दो एक बात आपसे भी प्रश्न करना चाहूंगा मैं, आज देश के अंदर धर्म के नाम पर जिस तरह की आंधी उठा रखी है, 2014 का मैनिफेस्टो बीजेपी आया का क्या आप याद करेंगे? अलग अलग वर्ग की अगर मैं बात करूं आप याद करना, आपको किसानों को कहा गया था सीटू प्रसिद्धि के तहत स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू होगी, क्या हुई? नौजवानों को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, क्या दिए गए? महिलाओं की रक्षा के ऊपर बोला गया था, क्या महिलाओं की रक्षा हुई? रक्षा बजट बढ़ा करके इस देश की सेनाओं को मजबूत किया जाएगा, क्या उसके खिलाफ काम हुआ या हक में हुआ? खिलाफ हुआ। पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष की जीडीपी को बढ़ा करके हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के अंदर चमकाया जाएगा, ये वादा किया था, आज देश को बर्बाद कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? पूरी दुनिया के अंदर जिस देश की सम्मान के साथ दृष्टि से देखा जाता था कि वो शांति प्रिय लोगों का देश है, सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, हमारे देश का आज नाम ये लिया जाता है कि वहां फांसीवाद लागू हो चुका है, क्या देश आगे बढ़े या पीछे गया? उन सभी बातों को बढ़ाने के लिए 2019 के अंदर राष्ट्रवाद का उपहार किया गया, पुलवामा होने दिया गया, सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं पुलवामा होने दिया गया, मैं नहीं कह रहा, वो गवर्नर थे उस समय, पुलवामा के शहीदों की लाशों के ऊपर राष्ट्रवाद का जवाब चढ़ा करके देश को मूर्ख बना करके वोट लिए गए, और अब आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया, आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया चुनाव के लिए, ये बात भी हम नहीं कह रहे शंकराचार्य कह रहे, ये शंकराचार्य कौन है भाई सबसे पहले समझिए, शंकराचार्य वो है जिस समय हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने के लिए बौद्धिज्म पूरे हिंदुस्तान के अंदर आईडी हो चुका था, उस समय एक 30 साल का नौजवान पूरी
पूरे वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया और चैलेंज किया कि मैं साबित कर सकता हूं कि हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सभी तरह के विद्याओं में निपुण वो आदमी, उसने चारों मठ बनाए थे और सनातन धर्म की रक्षा के लिए चारों शंकराचार्य बैठे थे। आज उनको भी नहीं पूछा जा रहा। आज उनके ऊपर को ही घोषणा कर दी गई, तो क्या ये दूसरा धोखा तो नहीं है? पहला धोखा हमने 19 में खाया, जब 2019 के अंदर चुनाव के जो मुद्दे थे, 100 समाज चीटी बनाऊंगा, पूरे देश के अंदर बुलेट ट्रेनें चलाई जाएंगी, महिला का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे महिला खिलाड़ी थी अपनी, वो बेटी नहीं थी किसी की, उनके बाल पकड़ के खींच रहे थे, वो बेटी नहीं थी हमारी। मणिपुर के अंदर हमारी बहनों को नंगा घुमाया गया, वो हमारी बेटी नहीं थी क्या? हमारे 750 किसान बॉर्डर पर शहीद हो गए, क्या वो देश के नागरिक नहीं थे क्या? क्या हम इस सारी बातों को भूल करके मात्र धर्म पे वोट दे देंगे के भाई? जहां हमने किसान के लिए लड़ना है वही एक देश भी बचाना है, और देश विचारिक लोग बचाया कर रहा है, कभी भीड़ देश नहीं बचाती। आप जैसे लड़ने वाले लोग, आप जैसे 1% लोग अगर पूरे समाज के अंदर मुकाबला करेंगे और उनकी झूठ का पर्दाफाश करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि उनकी सारा का सारा पर्दा साफ हो जाए। जहां हम पक्ष के साथियों को ये बात कर रहे हैं, विपक्ष से भी एक सवाल है। पूरी देश की जनता विपक्ष से एक सवाल पूछ रही है, जब देश के अंदर ये लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है तब आप कहां हैं? इस देश के अंदर कानून का राज समाप्त कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया गया तब आप कहां हैं? इस देश के अंदर इलेक्शन कमीशन खत्म कर दिया गया तब आप कहां हैं? सर्वराज करने के लिए बने हो क्या? अगर विपक्ष भी सड़क पे नहीं उतरेगा तो इस देश का जब इतिहास लिखा जाएगा कि जब मोदी इस देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त कर रहा था, संविधान को समाप्त कर रहा था, तब विपक्ष भी मूक सहमति से उसकी स्वीकृति दे रहा था। इसलिए हम इतना ही जिम्मेवार विपक्ष को ही मानते, मानो कि नहीं मानो भाई। जब किसान सड़क पे उतर सकता है, जब मजदूर सड़क पे उतर सकता है, तो विपक्ष वाले क्यों नहीं उतर सकते? सिर्फ लड़ाई फोटो उतरवाओगे। इसलिए मेरी प्रार्थना में कोई गलत बात लिखी हो माफी चाहूंगा। बडाला साहब ने हमारे संगठन का आधिकारिक जो फैसला था आपको बता ही दिया, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। मजबूती से आंदोलन लड़ेंगे भाई, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे और जीत के जाएंगे भाई। हाँ, आज आपकी संख्या कुछ ज्यादा है, कल हमारी भी हो सकती है, परसों उत्तर आपकी भी हो सकती है, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हम थोड़े दूर हैं, गाड़ियां आए हैं, आप नजदीक हो ट्रैक्टर में आए। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। बेनीवाल साहब, संदीप भाई, बडाला साहब, हमारा जिला अध्यक्ष, 5-6 आदमी जो कमेटी वगैरह में आपने करना, जो रणनीति बनानी है आप बना सकते हो, बैठ सकते हो, बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे और इस मोर्चे को इतना बड़ा बढ़ा के जाएंगे कि याद रखेगा ये शहर का डीसी भी किसी का पंगा पड़े। हमने एक बात कही थी डीसी का, याद नहीं थी शायद, भूल गया या बार बार धमकिया था, तंग आ गया शायद, कोई भी धमकी दे दे उसका या भी आ गई बात नहीं, जो बताएगा तो गया था कि 26 तक पहला मान ले लिया किसान ने, किसान नजर आओगा, डीसी साहब देख लिया कि नहीं किसान है, चारों तरफ आपके कोर्ट के किसान है या नहीं है? और एक भी याद कर ले, अगर ये मुआवजा जल्दी नहीं दिया खट्टर सरकार, हरियाणा में बड़न ना जगह नहीं पाओगी, सारी शहर नहीं, हम कोई शहर के बारे में अकेले नहीं बोलते, और भी जिले में हमारा सौदा, हरियाणा में बड़न ना जगह नहीं पाओगी किसी। और यह भी याद रखे,
जबरदस्ती करने की, झूठ बोलने की, बुकाने की, फूट गेड़ने की, ये चीजें इस मोर्चे में आपकी कामयाब नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगी हो माफी चाहूंगा। धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे कि किस प्रकार से पगड़ी संभाल जट्टा के किसान मोर्चा के जो लोग हैं यहाँ पर अपना संबोधन कर रहे थे, और मैं तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। चाय की सेवा हो, चाहे खाने की सेवा हो, वो तमाम लंगर यहाँ पर लग चुके हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से हम आपको लगातार दिखा रहे थे कि ठीक लघु सचिवालय के सामने पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं, और किसान अपना यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा करके बैठ गए। किसानों की मांगे हैं कि जब तक बेहतर गांव का मुआवजा सरकार द्वारा दिया नहीं जाता, तब तक वो ये अपना पक्का मोर्चा यहीं पर लगाए रखेंगे। शासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए, और हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट विक्रम मित्तल जी हैं। सर, जिस प्रकार से ऐलान किया गया था पगड़ी संभाल जट्टा द्वारा कि 26 जनवरी को पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा, आज हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो क्या मांगे हैं और क्या ये मोर्चा कब तक चलने वाला है? देखिए, किसानों की मांगों के बारे में तो ज़्यादा तो किसान ही नेता जो हैं वो बता पाएंगे, परंतु जितनी हमारे को जानकारी है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों ने बैंक खातों से या कॉमन सर्विस सेंटर से अपने अपने बीमा करवाए थे, और फसलें खराब होगी उसके बाद जो है किसानों ने बड़ा लंबा एक या आंदोलन चलाया, 4-5 महीने बैठे रहे, उसके बाद 400 करोड़ किसानों के खाते में आए। बेहतर गांव के किसान जो है उस समय इसमें कवर नहीं हो पाए थे, और प्रशासन ने कहा था कि बहुत जल्द उनका मुआवजा भी डाल दिया जाएगा, परंतु आज तक 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया, तो उसके बावजूद भी उनके खातों में पैसे नहीं आए। मुख्य मांग उनकी ये है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर पे जो आज ट्रैक्टर मार्च था MSP की मांग को लेके, उसको लेके भी किसानों ने आज ट्रैक्टर मार्च निकाला है। तो ये जो जहाँ तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में मेरा ये कहना है कि बीमा की जो योजना है उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कोई बीमे पे आपको डाउट है, 45 दिन के अंदर अंदर अगर आप प्रीमियम वापस कर देते हैं, जो बीमा की राशि वापस कर देते हैं, तो ही बीमा कैंसिल होगा। अगर 45 दिन में आपने वापस नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपने बीमा एक्सेप्ट कर लिया है। और इतना टाइम 2022 का टाइम बीतने के बाद अब जो है ना किसान कानूनी तौर पे उस चीज़ के लिए हकदार हैं, उनको ज़रूर मिलना चाहिए। और दूसरा, इसी बीमा कंपनी ने, रिलायंस बीमा कंपनी ने करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है, घाटे में नहीं है, करोड़ों रुपये का मुनाफा इन किसानों से कमाया है, तो इन किसानों को इनका हक जरूर दिया जाना चाहिए। वकील साहब, एक 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की सड़कों पर इस तरह का हजूम किसानों को देखने को मिला था, क्या आपको लगता है कि आज हिसार ने उसी वाक्य को दोबारा से दोहराया है? देखिए, 26 जनवरी 2021 को जो किसान आंदोलन था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, उसको लेके दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हजूम ट्रैक्टरों का हुआ था, पूरे देश भर से ट्रैक्टर उसमें आए थे, और आज भी अगर आप ट्रैक्टरों की संख्या पूरे देश में गिनती करेंगे तो उससे कई गुना ज़्यादा ट्रैक्टर आज शामिल हो रहे हैं। और हिसार में भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक मेरी रिपोर्ट है या मैं खुद गया हूँ, कि शहर का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे ट्रैक्टर ना खड़े हों, हर जगह ट्रैक्टर और किसान नज़र आ रहे हैं। किसानों ने एक तरीके से शहर को पूरी तरीके से जाम कर दिया है, बंधक बना दिया है, और आप ये कह सकते हैं किसान जब जब इस तरीके से आता है तो वो अपनी मांगों के लिए ही आता है। और उसके बावजूद भी एक नोट करने वाली बात है कि आज हिसार में किसी तरीके की कोई भी अनहोनी घटना, कोई हिंसा नहीं हुई है, कोई किसी रेड़ी वाले के साथ बदतमीजी नहीं हुई है, किसी माँ बहन के साथ कोई ऐसी बात वारदात नहीं हुई है, तो किसान अब शांतिप्रिय तरीके से अनुशासित रह के अपना वो कर रहे हैं। और ये सही बात है आपकी कि आज टीकरी बॉर्डर से बड़ा जमघट यहाँ किसानों ने लगाया है। जब 26 जनवरी 2021 को दिल्ली की परेड के शामिल होने का दावा किया गया था, आज 26 जनवरी 2024 है, वहाँ किसानों ने केंद्र सरकार को झुकाने का काम किया था, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आज का ये आंदोलन हरियाणा सरकार को झुकाने के लिए सक्षम है? देखिए, उस समय जो किसान आंदोलन था उसने देश के जो सबसे बड़े प्रधानमंत्री और जिसके बारे में ये कहते थे कि वो बहुत बड़ा तानाशाह है, वो कभी झुकता नहीं है, अपने फैसले वापस नहीं लेता है, उसको भी जो है ना फैसले वापस लेने पे इस देश के किसानों ने मजबूर किया था।
और उस समय उसने वापस लिया। और ये तो जो छोटी सी बात है यहाँ के प्रशासन की और कंपनी की, इसमें तो प्रशासन को ये समझना चाहिए कि किसान जब इतनी बड़ी मांग मनवा सकते हैं तो ये तो बहुत ही छोटी बात है और किसान 100% जीत के जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है जी। देखिए ये थे हमारे साथ एडवोकेट विक्रम मित्तल, इनका भी यही दावा है कि यहाँ से किसान अपनी मांगों को मनवा कर ही जाएंगे। अब मैं दोबारा से दिखा दूँ आपको, यहाँ बैरिगेड्स लग चुके हैं पुलिस प्रशासन द्वारा ताकि किसान जो है लघु सचिवालय में प्रवेश ना कर पाए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है, पुख्ता प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं और ये वो टेंट है जहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। यहाँ पर चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा हो, पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति हो या कर्मचारियों का आंदोलन हो, तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और सब इकट्ठे होकर के आज यहाँ पर अपना आंदोलन शुरू कर चुके हैं। और 26 जनवरी की जो कॉल थी उसी कॉल के तहत आज यहाँ पर पक्का मोर्चा लगा दिया गया है और माना जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि जब तक इनकी मांगे मानी नहीं जाएगी, प्रशासन द्वारा मुआवजा नहीं दिया जाएगा, तब तक ये पक्का मोर्चा यहाँ पर ऐसे ही लगा रहेगा। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, रवि पाठ, हिसार।